हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हम इन शॉर्ट NHRC के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट कंपोजिशन, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके 10 ईयर्स, इनके फंक्शनिंग, सो डिटेल सारा कुछ NHRC के बारे में आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली ये वीडियो जो है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल वन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज वॉच इट टिल द एंड एंड इफ यू फाइंड इट एडवांटेजेस देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन, इसके गठन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सब हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो बेसिकली ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि जो NHRC है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, या फिर आप कह सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द NHRC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It was established in the year 1993 under a legislation enacted by the Parliament, namely the Protection of Human Rights Act. ये एक्ट आप याद रख सकते हैं, इसका नाम है Protection of Human Rights Act, जो कि 1993 में आया था और इसके अकॉर्डिंग इसका गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट ये आप याद रखेंगे, दिस एक्ट वॉज एमेंडेड इन 2006। तो ये आया था बेसिकली 1993 में, लेकिन इसका जो मॉडिफिकेशन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था बेसिकली इन 2006 में। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखें। आगे बढ़ेंगे। द कमीशन इज अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। बेसिकली देखिए, हमने हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कशन किया था कि जो चार वॉचडॉग्स हैं, मेन वॉचडॉग्स अगर हम बात करेंगे, पहला है UPSC जो कि फ्री एंड फेयर, जो हम बोल सकते हैं एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, दूसरा आप बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन, तीसरा सुप्रीम कोर्ट और चौथा जो है हमारे CAG। ओके, तो ये चार बेसिकली हमारे वॉचडॉग हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग की बात करेंगे तो ये है हमारे NHRC, दैट इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट इज द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, यानी कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बोडीड इन द इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये सब के ऊपर एक नजर रखते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, ये सबको मिल रहा है कि नहीं। ओके, हर एक इंडिविजुअल तक ये पहुंच पा रहे कि नहीं, उसके ऊपर ये नजर रखते हैं। ओके, आगे चलेंगे, बात करेंगे द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन। इनके क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन और मोटो क्या है इनका। ओके, किस रीजन के लिए इन्हें, किस पर्पज के लिए एस्टेब्लिश किया गया, बेसिकली इसके ऊपर देखते हैं। तो पहला देखिए, तीन पॉइंट्स आप, तीन ऑब्जेक्टिव्स याद रख सकते हैं। पहला देखिए, टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच ह्यूमन राइट्स इश्यूज कुड बी एड्रेस्ड इन द एंटायरली इन ए मोर फोकस्ड मैनर। यानी कि देखिए, जो भी सारी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, ओके, जो कि आज के डेट में आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो उनको किस तरीके से एक फोकस्ड मैनर के हिसाब से, ओके, उनको एड्रेस किया जा सकता है, उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर ये बेसिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करने की जो इनका मेन एम है। ओके, दूसरा अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, टू लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट इन ए मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। एंड ओके, साथ ही साथ देखिए, ये जो है गवर्नमेंट क्या क्या कमिटमेंट कर रही है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, या फिर कह सकते हैं हम मानवीय अधिकार के लिए क्या क्या मेजर्स लेके आ रहे हैं, क्या क्या नया स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं, उसके ऊपर भी ये नजर रखते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। तो जो भी ऑलरेडी एफर्ट्स, जो भी ऑलरेडी स्टेप्स लिए जा चुके हैं, जो भी स्कीम्स या फिर आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट चालू है रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, ओके, तो उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसके ऊपर भी इनका मेन फोकस रहता है। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं देखते हैं। बेसिकली द कमीशन इज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड फोर मेंबर्स। तो बेसिकली इसके जो कंपोजिशन अगर हम बात करें, इसमें आपको एक चेयरमैन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उनको अकंपनी करेंगे चार और मेंबर्स। ओके, तो चलिए, द चेयरमैन शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चेयरमैन होंगे, यानी कि इस कमीशन के जो हेड होंगे, वो बेसिकली एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं हमारे कंट्री के। ओके, एंड द मेंबर्स शुड बी सर्विंग अ रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो मेंबर्स होंगे, फोर मेंबर्स जो होंगे, वो इनमें से कोई एक कोई होने चाहिए। ओके, यानी कि कौन कौन हो सकते हैं, दैट इज सर्विंग ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, साथ ही साथ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, अगर वो सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड भी हो, वो मेंबर्स बन सकते हैं इस कमीशन का। एंड टू पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। साथ ही साथ दो ऐसे मेंबर्स भी होने चाहिए जिनको कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो कि एक्सपर्टीज रहेंगे बेसिकली रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स के मैटर्स से रिलेटेड। ओके, उनके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड, तभी वो मेंबर्स बन सकते हैं हमारे NHRC के। ओके, इन एडिशन टू दिस फुल टर्म मेंबर्स द कमीशन हैज फोर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो ये तो हो गए जो हमने बात की, पांच
चेयरमैन के साथ जो चार फुल टाइम मेंबर्स हैं, टोटल पांच मेंबर्स, इनके अलावा भी आपको चार और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स बनते हैं वो कौन है, देखिए, पहला है चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के जो कमीशन है, नेशनल कमीशन है, उसके जो चेयरमैन है वो है इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर। साथ ही साथ द नेशनल कमीशन फॉर एससीज, द नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये जो चार कमीशन है इनके जो भी हेड होंगे, चेयरमैन होंगे, वो बाय डिफॉल्ट हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स बनते हैं। ओके, आगे चलेंगे। द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्स मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। ओके, देखिए, ये जो मेंबर्स यानी कि कौन मेंबर्स होंगे अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन, कौन कौन मेंबर्स रहेंगे इस कमीशन में, वो कौन डिसाइड करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं? अपॉइंटमेंट बेसिकली करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन ये खुद की मर्जी से अपॉइंट नहीं करते, ये एक रिकमेंडेशन के बेसिस पे इन्हें अपॉइंट करते हैं। और ये जो रिकमेंडेशन है इन्हें मिलता है बाय सिक्स मेंबर कमिटी, ये कमिटी रिकमेंड करती है और ये कमिटी के जो हेड है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, और कौन कौन होते हैं इस जो कमिटी रिकमेंडेशन कमिटी में देखते हैं, इसमें होते हैं आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा, साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस, दैट इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके, दोनों हाउसेस के लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर। ओके, तो ये बेसिकली मेंबर्स जो छह मेंबर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक कमेटी, और वो लोग रिकमेंड करते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्सन को आपको एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन अपॉइंट करना है, तो वो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमारे प्रेसिडेंट जो होंगे उन्हें अपॉइंट कर देंगे। ओके, चलिए, फर्दर ए सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ एज हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ऑनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये तो हो गया आपके जो छह मेंबर कमिटी जो कि रिकमेंडेशन देंगे। साथ ही साथ अगर कोई आप एक सिटिंग जज या फिर आप बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट के जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उन्हें एज ए मेंबर अपॉइंट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इस केस में ये एक एक्सेप्शनल केस है जिस केस में आपको चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना पड़ेगा, और बाकी के केसेस बाकी के मेंबर्स के लिए छह मेंबर वाला जो कमिटी है ये रिकमेंडेशन दे सकती है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम कहें तो एक कमिटी होती है, एक जनरल सिक्स मेंबर की कमिटी होते हैं जो रिकमेंड करते हैं इन सर्टेन केसेस जो कि है, अगर आपको सिटिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है एज ए मेंबर, देन इन दैट केस आपको चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं, द चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years। तो इसमें देखिए एक एक्सेप्शन आप बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम लिमिट है, एज लिमिट है, वो 70 years है। ओके, टिल दिस एज दे कैन होल्ड द ऑफिस, वेदर इट मे बी द चेयरमैन और द मेंबर, इनमें से कोई भी हो। ओके, और इनका जो नॉर्मल टेन्योर रहता है वो 5 साल का होता है, जो भी पहले आए यानी कि अकॉर्डिंगली ये रिटायर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द टेन्योर द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके एक बार आप बोल सकते हैं टेन्योर खत्म होने के बाद दे आर नॉट फर्दर एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये किसी और दूसरे ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते आफ्टर द रिटायरमेंट, आप बोल सकते हैं इनका टेन्योर खत्म होने के बाद, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पोस्ट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई पोस्ट हो। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो रिमूवल किस तरीके से होगा, ये जो मेंबर्स अपॉइंटमेंट के बारे में हमने देखा, अभी देखते हैं कि रिमूवल इनका किस तरीके से हो सकता है। ओके, और इन्हें रिमूव करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। ओके, और कौन से सर्कमस्टेंसेस, कौन से सिचुएशंस में ये रिमूव हो सकते हैं, एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। पहला देखिए, इफ ही इज एडजस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, अगर ये दिवालिया घोषित हो जाते हैं, यानी कि अभी इनके जो टैक्सेस हैं या फिर इनके जो अगर कोई लोन्स हैं, कोई इनके पेमेंट ड्यूज हैं, वो अगर वो पे करने की सिचुएशन में और नहीं है, यानी कि दिवालिया हो चुके हैं, इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं, देन इन दैट केस ही कैन बी रिमूव, द पर्टिकुलर पर्सन और द मेंबर कैन बी रिमूव फ्रॉम द कमीशन। सेकंड, आप देख सकते हैं, इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म और ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफिस। ओके, यानी कि देखिए, ये जो जब भी एम्प्लॉयड रहेंगे यानी कि कमीशन के मेंबर रहेंगे, उसी दौरान किसी और दूसरे बाहर ये एम्प्लॉयड नहीं रह सकते, यानी कि पेड एम्प्लॉयमेंट ये नहीं कर सकते। अगर ये ऐसे कुछ कर रहे हैं देन ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। ओके, अंडर दैट कंडीशन, इफ ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, यानी कि ये अगर मेंटली आप बोल सकते हैं या फिर फिजिकली अनफिट हो जाते हैं टू कंटिन्यू इज ऑफिस, देन इन दैट केस ही कैन ऑल्सो बी रिमूव। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड सो स्टैंड सो डिक्लेयर बाई ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि अगर ये मेंटली जो हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं कि पागल दिस सॉर्ट ऑफ ऐसे कुछ हो जाता है, अगर पागल हो जाते हैं या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, देन इन दैट केस ही कैन ऑल्सो बी रिमूव। अगर और एक भी है कि ये जो पर्टिकुलर अनसाउंड माइंड के हैं बोल के ये जो है हमारे कोई एक कोर्ट इनके एक ऐसा कुछ डिक्लेरेशन देना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, फाइनली, इफ ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस की वजह से इन्हें कन्विक्टेड होते हैं और सेंटेंस होते हैं यानी कि इन्हें जेल हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो ही इज सब्जेक्टेड टू द रिमूवल फ्रॉम द कमीशन। ओके, आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा देखिए, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और दो भी और ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, पहला है आप देख सकते हैं प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके,
However, in these cases, the president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. तो अगर proved misbehavior या फिर incapacity इन दो grounds के basis पे आप किसी member को remove करना चाहते हैं हमारे राष्ट्रपति, then in that case वो matter को वो refer करेंगे पहले, सबसे पहले आप बोल सकते हैं Supreme Court को, और उसमें अगर ये prove हो जाता है then in that case only the president can remove them. If the Supreme Court after the inquiry upholds the cause of removal and advises so, then the president can remove the chairman or the member. अगर ये proof हो जाता है और Supreme Court advise करते हैं president को remove करने के लिए, then in that case ये remove कर सकते हैं. The salaries, allowances and other conditions of the offices of the chairman or a member are determined by the central government. जो भी salaries होंगे, allowances होंगे, जो भी service की conditions रहेंगे basically इस commissions के, वो सारा कुछ determine किया जाता है by the central government. Okay, आप ये जरूर याद रखें क्योंकि ज्यादातर confuse करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि parliament decide करते हैं, तो basically ज्यादातर जो हमारे offices होते हैं उसके parliament decide करते हैं, लेकिन इसके जो salaries, allowances और office conditions जो भी रहेंगे वो decide करते हैं हमारे central government directly. Okay, but they cannot be varied to his disadvantage after his appointment, यानी कि appointment के बाद इनको आप vary नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते. Okay, next. All the above provisions are aimed for securing autonomy, independence and impartiality in the functioning of the commission. ये सारा कुछ जो provisions आप देख रहे हैं ये किस लिए किया गया है, ताकि एक autonomy रह सके, independence रह सके जो commission का, और किसी के pressure में, किसी के दबाव के अंदर रह के ये काम ना करे. Okay, तो इनका खुद का power होना चाहिए, खुद की independence होना चाहिए, ताकि ये impartial होके functioning कर सके for the sake of human rights. Okay, तो इस purpose से ये सारा कुछ provisions add किए गए हैं. आगे बढ़ेंगे friends, functions के बारे में देखते हैं क्या क्या functions. सबसे पहला फंक्शन आप देखिए, टू इंक्वायर इनटू ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन, यानी कि अगर कोई ऐसा वायलेशन को प्रिवेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है सच वायलेशंस, देन बाय पब्लिक सर्वेंट आइदर सुओ मोटो और पेटिशन प्रेजेंटेड टू इट और एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. यानी कि ये देखिए, ये किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है, पब्लिक वायलेशन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं वायलेशन को प्रिवेंट करना का पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो इसमें क्या है, जो कमीशन सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, यानी कि खुद के मर्जी से ये एक्शन ले सकते हैं, या फिर कोई अगर पेटिशन फाइल करता है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अगेंस्ट, पर्टिकुलर इशू के अगेंस्ट, देन इन दैट केस एक्शन ले सकते हैं. साथ ही साथ अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर मिलता ही नहीं, तो इन दैट केस भी ये एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर. ओके, नेक्स्ट देखिए, टू इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग एलिगेशंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट. अगर कोर्ट के सामने अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड कोई एलिगेशन है, कोई केसेस चल रहे, देन इन दैट केस इसमें भी वो इंटरवीन कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करके देख सकते हैं. ओके, इंटरवीन कर सकते हैं बेसिकली. नेक्स्ट, टू विजिट जेल्स एंड डिटेंशन प्लेसेस टू स्टडी द लिविंग कंडीशंस ऑफ इनमेट्स. देखिए, जो जेल में रहते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, आप बेसिकली आप बोल सकते हो, तो वो भी ह्यूमन्स है, तो उनके भी प्रॉपर, उन्हें भी प्रॉपर कंडीशन में रखना जरूरी है. तो इसी वजह से ये रेगुलर क्या करते हैं, जेल से और जो डिटेंशन सेंटर्स होते हैं वहाँ विजिट करते हैं, ताकि वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस वो स्टडी कर सकें, जो कि सुटेबल है कि नहीं पर्टिकुलर जो पर्सन रह रहा है उसके लिए. ओके, तो उसके ऊपर भी ये नजर रखते हैं. टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स बनाए गए हैं उसको रिव्यू करेंगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि ये प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रहे हैं कि नहीं, ये कितने फुल हो रहे हैं, कितने यूजफुल हैं पर्टिकुलर पर्सन के लिए. तो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग ये सारे ये मेजर्स, साथ ही साथ ये देखने के अलावा ये क्या करेंगे, मेजर्स भी रिकमेंड करेंगे फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस आपने बनाए हुए हैं, सेफगार्ड्स बनाए हुए हैं, वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सके, काम कर सके, उसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं टू द गवर्नमेंट बेसिकली. टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड्स रेमेडियल मेजर्स. साथ ही साथ जो टेररिज्म के अगेंस्ट भी कुछ फैक्टर्स को रिव्यू करेंगे, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर, या आप बोल सकते हैं एनालिसिस करेंगे, और रेमेडियल मेजर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं. ओके, रिकमेंड कर सकते हैं. आगे चलेंगे, कुछ और फंक्शंस भी हैं. देखिए, टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर दर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन. अगर कोई ट्रीटीज साइन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, डील साइन हो रहा है किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, उससे रिगार्डिंग कोई, यानी कि ह्यूमन राइट्स से कनेक्टेड, तो उसके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो ये रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे. टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिसर्च करेंगे ह्यूमन राइट्स के फील्ड में. ओके, टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमंग पीपल एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, यानी कि लोगों को अवेयर करेंगे, लिटरेट करेंगे कि आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं. ओके, उनको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक वो खुद के राइट्स के लिए कैसे स्टैंड कर पाएंगे. इसी वजह से इनका ये भी एक फंक्शन बनता है कि ये पर्सन टू पर्सन, आप बोल सकते हैं ह्यूमन राइट्स की लिटरेसी स्प्रेड करेंगे अमंग द पीपल्स. ओके, प्रमोट करेंगे. साथ साथ आप देखिए, टू एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओस हैं, जो डिफरेंट एनजीओस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए वर्किंग कर रहे हैं, इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनको ये एफर्ट, उनके एफर्ट्स को ये एनकरेज करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे. ओके, हेल्प करेंगे बेसिकली. टू अंडरटेक सच
such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights. So human rights के promotion के लिए, human rights के development के लिए, इसको protect करने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो सब ये करेंगे. Okay, हमारे NHR से आगे बढ़ेंगे. Working of the commission, तो ये जो commission है किस तरीके से काम करते हैं basically. The commission's headquarter is at Delhi. आप देख सकते हैं इसके जो headquarter है ये दिल्ली में है. And it also establishes office at other places in India. साथ ही साथ ये दूसरे जगहों पर भी अपना offices establish किया हुआ है. Okay, इस commission के द्वारा. It is vested with the power to regulate its own procedure. तो इनके जो प्रोसीडिंग्स हैं, यानी कि किस तरीके से कंडक्ट करेंगे अपना प्रोसीडिंग सीरीज, कैसे करेंगे, किस तरीके से एक्शन लेंगे, तो ये सारा कुछ जो है ये खुद ही रेगुलेट करते हैं. ओके, इनके ये पावर बेसिकली दिया गया है. इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग हैज जुडिशियल कैरेक्टर. यानी कि जैसे कि हमने नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज ओबीसीज के केस में भी देखा था, तो वो जो कमीशन होते हैं उनके पास भी सिविल कोड का पावर रहता है साथ, जिसमें कि ये किसी को भी हियरिंग के लिए बुला सकते हैं और एक सिविल कोड के तौर पर ये काम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं. ओके, इनके पास कुछ रिगार्डिंग जुडिशियल कैरेक्टर भी इनको दिए गए हैं बेसिकली. ओके, इट मे कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज सबोर्डिनेट देयर रिटो. ओके, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन भी सीख कर सकते हैं, मांग सकते हैं फ्रॉम द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग देयर रिलेटेड इश्यूज. ओके, ह्यूमन राइट से रिलेटेड मैटर्स अगर कोई अगर दूसरा अथॉरिटी है तो उनसे ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, ये भी पावर है इनके पास. इस तरीके से काम करते हैं बेसिकली. द कमीशन हैज इट्स ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेशन इन कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ओके, तो इनका एक खुद का टीम आप बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, इनका खुद का ग्रुप है जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके कंप्लेंट्स को देखेंगे बेसिकली, इंक्वायर करेंगे. बिसाइड्स इट इज एम्पावर्ड टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस. यानी कि देखिए इनका खुद का जो टीम है वो है, इसके अलावा भी ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है या फिर आप देख सकते हैं, तो उनका भी हेल्प ले सकते हैं, उनका भी सर्विसेज यूटिलाइज करके ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं. ओके, तो ये भी सारा इस तरीके से काम करते हैं बेसिकली ये जो कमीशन है. इट हैज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इफेक्टिव कोऑपरेशन विद द एनजीओस द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ये एनजीओस के साथ कोऑपरेशन बना के रखते हैं, बना के चलते हैं, ताकि जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई अगर वायलेशन है, कोई ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचे और उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सके. तो इसी तरीके से इनका जो प्रोसेस कंप्लीटली चलता है. कुछ देखते हैं और पॉइंट्स रिगार्डिंग इनके वर्किंग के बारे में. हालांकि इनके पास बहुत सारे पावर्स हैं, ये इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं या फिर आप बोल सकते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इनके ऊपर. क्या है वो रेस्ट्रिक्शंस आप देखेंगे. द कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर ऑफ द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड. यानी कि जब ये वायलेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स के ऊपर उसके एक साल बाद, यानी कि एक्सपायरी ऑफ वन ईयर, उसी डेट से एक साल के बाद आप इसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकती कमीशन. ओके, एक साल के अंदर ही अगर किसी मैटर के ऊपर, किसी केस के ऊपर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद आपका कोई भी मतलब पावर नहीं बनता उसके ऊपर इंक्वायरी करने का. ओके, यू आर नॉट अपॉइंटेड टू डू सो. इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं इट कैन लुक इनटू अ मैटर विद इन वन ईयर ऑफ इट्स अकरेंस. अगर कोई ऐसा मैटर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो उसके एक साल के अंदर ही आप इसके ऊपर रिसर्च यानी कि इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं इस मैटर की. The commission may take up the following steps during or upon the completion of an inquiry. Inquiry के खत्म होने के बाद आप कुछ ऐसे steps भी ले सकते हैं. Okay, देखते हैं. पहला देखिए, it may recommend to the concerned government or authority to make payments or compensation to the damage to the victim. अगर कोई damage हुआ है, कोई लॉस हुआ है पर्टिकुलर विक्टिम का, तो उसके पेमेंट या फिर आप बोल सकते हैं कंपनसेशन सीख कर सकते हैं, यानी कंपनसेशन मांगेंगे कंसर्न जो भी अथॉरिटी होंगे या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन दिया जाएगा उसके लिए रिकमेंडेशन देंगे बेसिकली. सेकंड जो स्टेप्स ले सकते हैं, इट मे रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी इन द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी पब्लिक सर्वेंट. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गिल्टी पाया जाता है देन इन दैट केस उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन या फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं कंसर्न अथॉरिटी को या फिर गवर्नमेंट को. इट मे रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ इमीडिएट इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम. विक्टिम को रिलीफ देने के लिए ग्रांट यानी कि रिकमेंडेशन दे सकते हैं. इट मे अपोज टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कंसर्न फॉर द नेसेसरी डायरेक्शंस ऑर्डर्स और रिट्स. ऑर्डर्स इश्यू करने के लिए, डायरेक्शंस देने के लिए, रिट्स इश्यू करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं. तो ओवरऑल अगर हम देखें ये जो नेचर है इनके जो एक्शंस लेने का नेचर, ये रिकमेंडेरी है यानी कि एडवाइजरी है. ये कंपल्सरी खुद के पावर से कुछ नहीं कर सकते, इसे रिकमेंड करेंगे कंसर्न गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी को कि आप कंपनसेशन दीजिए या फिर आप पर्टिकुलर गिल्टी जो है पर्सन उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू कीजिए या फिर रिलीफ प्रोवाइड करिए विक्टिम को. तो ये सर रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं, खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकते बेसिकली. ओके, ये याद रखें पॉइंट. आगे चलेंगे रोल ऑफ द कमीशन की अगर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ द कमीशन आर मेनली रिकमेंड
रिकमेंडेटरी नेचर, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि इसे पॉसिव रिकमेंडेशन से दे सकते हैं। इट इज नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स नॉट टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनिटरी रिलीफ टू द विक्टिम। देखिए इनके पास कोई ऐसा पावर नहीं है ताकि ये डायरेक्टली पनिश कर सकते हैं वो पर्टिकुलर वायलेटर जो है, यानी कि जो गिल्टी पाए जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए, उन्हें ये पनिश नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये रिलीफ अवॉर्ड नहीं कर सकते कि आप ऐसे नहीं है कि इनके पास पैसा है कि ये दे देंगे, जाए आपका कंपनसेशन हम दे देते हैं या फिर आपको जो भी लॉस हुआ है वो हम भरपाई कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, नो कैन अवॉइड रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम, विक्टिम को ये हेल्प नहीं कर सकती, ये पावर नहीं है इनके पास। इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी। तो ये जो रिकमेंडेशंस देंगे ये बाइंडिंग भी नहीं है, अगर वो अथॉरिटी चाहें तो उसके ऊपर ये एक्शन ले सकते हैं या फिर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी के ऊपर। बट इट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन विद इन वन मंथ। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई रिकमेंडेशन हमारे जो कमीशन दे रही है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी को, वो अगर कोई एक्शन लेते हैं तो ठीक, अगर नहीं लेते हैं तो उसके रिलेटेड इनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप ये जो एक्शन नहीं लिए वो किस वजह से नहीं लिए, एंड दैट टू विद इन वन मंथ। वन मंथ के अंदर आपको रीजन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये एक आप बोल सकते हैं एक अपर हैंड है ओके कमीशन ओनली इन दिस केस। Moreover, the commission has limited role, powers and jurisdiction with respect to the violation of human rights by the members of the armed force. तो armed force की अगर हम बात करें इस केस में इनके जो role है वो थोड़ा और limited हो जाते हैं और थोड़ा और कम हो जाते हैं इनकी powers और jurisdictions। देखिए in this period the commission may seek the report from the central government and make its recommendations। तो इस केस में इस खास करके armed force के केस में ये central government से report seek करेंगे, मांगेंगे और उसके recommendations के according उसके according ये recommendations basically बनाते हैं। The central government should inform the commission of the action taken on the recommendation within 3 months. तो इस केस में आप देख सकते हैं जो भी ये रिकमेंड करेंगे उस केस में आपको 3 महीने के अंदर इनको इन्फॉर्म करना होता है क्या क्या एक्शन आपने लिए हैं और क्या क्या नहीं लिए हैं ओके विद आप बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इस केस में आर्म फोर्सेस के केस में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे कुछ और रोल्स के बारे में कमीशन के। देखिए पहला रोल अगर हम बात करें तो कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, यानी कि ये जो कमीशन है अपना जो भी मैटर होगा जिस भी केसेस के रिगार्डिंग ये एनालिसिस करेंगे उसका ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे एनुअली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये अगर किसी मैटर से रिलेटेड एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं उसके भी स्पेशल रिपोर्ट्स ये सबमिट करेंगे टू द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिपोर्ट्स आर बीइंग लेड बिफोर द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर अलोंग विद मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, यानी कि ये जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे इसे वापस फिर से आप नेक्स्ट लेवल पर अगर हम बात करें इसे रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर हाउसेस में पेश किया जाएगा इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट के अलावा इनके साथ ही साथ एक मेमोरेंडम भी पेश किया जाएगा जिसमें कि ये जो कमीशन है इनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग आपने कौन कौन से एक्शंस लिए हैं क्या क्या काम किए हैं वो सब इसमें स्पेसिफाई किया रहेगा। ओके और साथ ही साथ देखिए, इट ऑल्सो लेस डाउन द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सच रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन इन द मेमोरेंडम, यानी कि अगर कोई ऐसा भी रिकमेंडेशन है जिसको पर्टिकुलर अथॉरिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, रीजन स्पेसिफाई करना होता है इस मेमोरेंडम में। ओके सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एडवांटेजेस लगा हो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।